जिस साईं ने दर्द दिया
जिस साई ने दर्द दिया वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी बढ़ जाएगी हिम्मत तेरी, घटेगी जब घनघोर अंधेरी। बढ़ जाएगी हिम्मत तेरी, घटेगी जब घनघोर अंधेरी। बूंद बूंद तरसाने वाला सुख बरसा भी देगा। बूंद बूंद बरसाने वाला सुख बरसा भी देगा। जिस साई ने दर्द दिया है, जिस साई ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। बरखा बरसा भी देगा। साईनाथ महाराज की जय। बड़ा अद्भुत संयोग है, आप लोग जब अपने अपने घरों से चले होंगे तो बारिश का नामो निशान नहीं था, यहां आए तो ऐसी जबरदस्त बारिश। ये मान के चलिए कि आप लोग अपने अपने घरों से जिन चिंताओं को लेकर चले होंगे, जिन विपदाओं को जी रहे होंगे, जिन परेशानियों से जूझ रहे होंगे, शिरडी में कदम रखने के बाद और इस बारिश की अमृत वर्षा आपके ऊपर होने के बाद जब आप वापस जाएंगे तो आपको सब कुछ हरा भरा मिलेगा, सारी दुख परेशानियां दूर हो गई होंगी। बाबा की रहमत में और इस शिरडी में बड़ी अजीब कशिश है साहब, बड़ी अजीब कशिश है। हम सोचते कुछ और हैं, दिखता कुछ और है, करता वो कुछ और है और समझ में कुछ और आता है। ये साई है, ऐसा अद्भुत फनकार है ये साईं। और इस जगह की मिट्टी, ये जगह जो है इसको बाबा के जमाने में तकिया कहा जाता था। इस जगह का अपना बड़ा महत्व है, यहां पे पीर फकीरों को ठहराया जाता था। पीर फकीरों को जहां ठहराया जाता है उस जगह को तकिया कहते हैं। और इसी जगह पर बाबा घुंघरू बांध करके नाचा करते थे, उन पीर फकीरों के साथ सूफी तरीके से बाबा अल्लाह का गुणगान किया करते थे और अपने पैरों में घुंघरू बांध करके इसी जगह पर नाचा करते थे। आज आपका मन यहां बैठ करके इस बारिश में बाबा के नाम के घुंघरू पहन करके नाचेगा। क्या क्या रंग दिखाए तूने, क्या क्या रंग दिखाए, रंग दिखाए तूने, क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या रंग दिखाए रे साई, क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या रंग दिखाए साई, क्या क्या रंग दिखाए। जब भी हम अपनी नगरी से
अपनी नगरी से तेरी शिरडी में आए हैं। क्या क्या रंग दिखाए तूने, क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या रंग दिखाए तूने, क्या क्या रंग दिखाए। के दर्पण में भी देखे हमने दुख के चेहरे, हमने दुख के चेहरे साई, हमने दुख के चेहरे। जीवन की इस ऊंच नीच के मतलब कितने गहरे, मतलब कितने गहरे साई, मतलब कितने गहरे। हम ना समझे तूने तो, हम ना समझे तूने तो, हमें कई बार समझाए हैं। क्या क्या रंग दिखाए तूने, क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या रंग दिखाए रसाई, क्या क्या रंग दिखाए। जैसे रेत चमकती दूर से लागे पानी, दूर से लागे पानी साई, दूर से लागे पानी। पास गए और हमने देखा तब ये हकीकत जानी, हमने हकीकत जानी साई, हमने हकीकत जानी। नकल का दामन छोड़ दिया है, नकल का दामन छोड़ दिया है, असल से हाथ मिलाए हैं। क्या क्या रंग दिखाए तूने, क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या रंग दिखाए रे मालिक, क्या क्या रंग दिखाए। तुझमें जो विश्वास हमारा वो दूना कर देना, वो दूना कर देना साई, वो दूना कर देना। अपने उजले हाथों से ये मन उजला कर देना, मन उजला कर देना साई, मन उजला कर देना। हम कर्मों की मैली चादर, कर्मों की मैली चादर तेरे आगे फैलाए हैं। क्या क्या रंग दिखाए तूने, क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या रंग दिखाए तूने, क्या क्या रंग दिखाए। जब भी हम अपनी नगरी से हो, जब भी हम अपनी नगरी से तेरी शिरडी में आए हैं। क्या क्या रंग दिखाए साई, क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या रंग
क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या रंग दिखाए रे बाबा, क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या रंग दिखाए रे साईं, क्या क्या रंग दिखाए। साईनाथ महाराज की जय। दरअसल कथा में बाबा की मर्जी होती है कि अलग अलग समय पर अलग अलग बात की जाए, बाबा के विभिन्न स्वरूपों से उनके चाहने वालों को वाबस्ता कराया जाए, उनके प्रति जागरूक कराया जाए। ये श्री साईं अमृत कथा एक कोशिश है। हम लोग सभी श्री साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं, हम सभी पढ़ते हैं साईं सच्चरित्र। कितने लोग पढ़ते हैं हम में से, और हम में से कितने लोगों ने इसको पढ़ने के साथ साथ समझने की कोशिश भी की है। अद्भुत अद्भुत ग्रंथ है। जितनी बार आप पढ़ते हैं उसका एक अलग मतलब निकलता है। हमारे मन में कोई दुविधा हो, कोई परेशानी हो, आप कोई भी पन्ना निकाल के पढ़ने लगे, आपको अपनी दुविधा परेशानी का हल मिल जाएगा। ये इस ग्रंथ की खासियत है। कुछ लोग जो इसको सिर्फ पढ़ते हैं उनको लगता है कि बाबा के चमत्कारों का लेखा जोखा है। सच है, अगर चमत्कार नहीं होते तो साईं को इतने सारे लोग नमस्कार नहीं करते। हम लोग सब बड़े स्वार्थी होते हैं। दरअसल जहां हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है हम वहीं पर सिर नवाते हैं। माने या न माने मेरी बात कुछ लोगों को बड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन ऐसा होता है। ये जो श्री साईं अमृत कथा है ये बाबा की प्रेरणा से, उनकी अनुमति से और उनकी कृपा से ये कोशिश है कि प्रत्येक चमत्कार जो साईं ने किए हैं उनके पीछे हमको संस्कारित करने की जो कोशिश है उसको इस कथा के माध्यम से हम समझें, हम साईं को बेहतर समझ पाएंगे। बाबा की प्रेरणा और अनुमति से आज का जो विषय है बाबा ने दिया है दशावतार में बाबा। हम लोग सभी जब पंक्तिबद्ध होकर के बाबा के दर्शन करने जाते हैं इस समाधि मंदिर में, बाबा की समाधि तक पहुंचते हैं उसके पहले दो खंभे हमको दिखाई देते हैं और उन खंभों पर बाईं तरफ पांच और दाईं तरफ पांच आकृतियां उकेरी हुई हैं। वो सभी विष्णु के 10 अवतार हैं। हमने सबने इस बात को देखा है कि नहीं देखा है? हमने किसी ने नहीं देखा। वो उस छोटे से बच्चे ने देखा है वहां पर। आपको विष्णु के दशावतार पता है कौन कौन है? वाह, बाद में ये हार आप अपने साथ ले जाइएगा जो बाबा के सच्चरित्र ने पहना हुआ है कथा के बाद, ठीक है? बाबा के दशावतार जो हैं वो इसलिए, जो विष्णु के दशावतार हैं वो इसलिए विष्णु ने लिए थे क्योंकि उन्होंने अपने 8वें अवतार श्री कृष्ण में इस बात को महाभारत में रणक्षेत्र में खड़े होकर के विराट स्वरूप लेकर के किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुके अर्जुन को कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब भी धर्म की हानि होगी, धर्म की ग्लानि होगी, तब तब मैं अवतार लेकर के आऊंगा। जो सीढ़ी होती है उसका संस्कृत भाषा में एक अर्थ होता है, एक शब्द उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है,
अवतरणिका। सीढ़ी का संस्कृत में नाम है अवतरणिका। और सीढ़ी की यह खासियत होती है कि जो सीढ़ी ऊपर ले जाने के काम में आती है वही सीढ़ी नीचे आने के काम में भी होती है। बाबा के केस में ये बड़ा अद्भुत संयोग हमारे सामने आता है। सा और ई, सा से साधारण, ई से इंसान, ये बाबा का सफर है सा ई तक जाने का। सा से साधारण, ई से इंसान से, सा से साक्षात, ई से ईश्वर। दरअसल ईश्वर बनने के लिए हम सबको कोई विशेष प्रयोजन नहीं करना पड़ता। ईश्वर हमारे अंदर होता है, ईश्वर तत्व हमारे अंदर होता है, हम उसको जागृत नहीं कर पाते हैं जैसा बाबा ने किया था। और अपने अंदर के ईश्वर तत्व को जागृत अगर हम कर लेंगे तो हम भी आज जो साधारण इंसान अपने आप को मानते हैं हम भी साई बन सकते हैं। हम सबके अंदर साई होता है, हम उसको आवरणों में छुपा कर रखते हैं। वो आवरण होते हैं लोभ का, ईर्ष्या का, मोह का, अहंकार का, दुश्मनी का, जलन का। उन आवरणों के पीछे साई दबा रहता है हमारे अंदर का। कोशिश की जाए कि उस साई को अपने अंदर जागृत किया जाए। सबसे पहला अवतार जो विष्णु का था मत्स्यावतार, उस मत्स्यावतार में भगवान विष्णु ने मछली का रूप लेकर के हम सबके सामने एक मिसाल रखी। मछली के लिए जल का वही महत्व है जो साई के लिए ईश्वर का मतलब था। जैसे मछली जलबिन नहीं रह सकती, वैसे साई ईश्वर का नाम स्मरण किए बिना, उनकी धुनी जलाए बिना कभी नहीं रह सकते थे। वो रात को सोने भी जाते तो बालसपति से कहते कि हे भगत, मेरी छाती पर हाथ रख के रखना, देखना कहीं मेरा भगवत स्मरण, अल्लाह का नाम स्मरण बंद ना हो जाए। इस अवतार को यदि हम साई के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पाएंगे कि साई जैसी भक्ति शक्ति की पहली सीढ़ी है। बाबा में रमना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, उनका नाम जपते रहना पड़ेगा। बाबा के बिना हमारा वजूद बिल्कुल वैसे ही हो जाना चाहिए जैसा जल के बिना मछली का होता है, तो हम साई को पा सकते हैं। आइए बाबा में अपनी निष्ठा को उनकी धुनी के समान प्रज्वलित करने का आज प्रण हम आज इस पवित्र जगह पर लें। बाबा तेरे नाम की मैं धुनी रमाऊंगा, साई तेरे दर पे मैं अलख जगाऊंगा। बाबा तेरे नाम की मैं धुनी रमाऊंगा, साई तेरे दर पे मैं अलख जगाऊंगा। जग से क्या लेना देना, जग से क्या लेना देना, तुझको रिझाऊंगा बाबा तेरे नाम की। बाबा तेरे नाम की मैं धुनी रमाऊंगा, साई तेरे दर पे मैं अलख जगाऊंगा। मालिक सबका एक यहाँ है, सबका मजहब एक
सबका एक यहाँ है, सबका मजहब एक यहाँ है। मालिक को प्यारा वो बंदा, बंदा जो दिल का नेक यहाँ है। तेरा ये संदेशा बाबा, तेरा ये संदेशा बाबा, घर घर पहुँचाऊंगा बाबा तेरे नाम की, बाबा तेरे नाम की मैं धुनी रमाऊंगा। साईं तेरे दर पे मैं अलख जगाऊंगा। तेरी शरण में आए जो साईं, दुख संताप पाप कट जाए, छूते ही पावन परछाई। इन चरणों से ही, इन चरणों से ही लौ मैं लगाऊंगा बाबा तेरे नाम की, बाबा तेरे नाम की मैं धुनी रमाऊंगा। साईं तेरे दर पे मैं अलग जगाऊंगा। साईं तू सबका रखवाला, बस में तेरे ऊपर वाला। साईं तू सबका रखवाला, बस में तेरे ऊपर वाला। उसके सब संकट कट जाए, जो भी जपे तेरे नाम की माला। तेरे भजन में, तेरे भजन दिन रात मैं गाऊंगा बाबा तेरे नाम की, बाबा तेरे नाम की मैं धुनी रमाऊंगा। साईं तेरे दर पे मैं अलग जगाऊंगा। जग से क्या लेना देना, जग से क्या लेना देना, तुझको रिझाऊंगा बाबा तेरे नाम की, बाबा तेरे नाम की मैं धुनी रमाऊंगा। साईं तेरे दर पे मैं अलग जगाऊंगा। बाबा तेरे नाम की हम धुनी रमाएंगे, साईं तेरे दर पे हम अलग जगाएंगे। बाबा हो, बाबा हो, बाबा तेरे नाम की मैं धुनी रमाऊंगा। और मत्स्य अवतार के रूप में विष्णु ने एक और महान काम किया था। उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र मनु को, और उस समय जितनी भी जीव जंतु पेड़ पौधे पृथ्वी पर विराजमान थे, उनको एक नाव में लेकर के प्रलय से बचाने के लिए
एक दूसरे लोक में लेकर के आ गए, ठीक उसी तरह जिस तरह साई हम सबको प्रलय से बचाते हैं। ऐसा ही माहौल हो रहा था। श्री साई सचित्र में जिक्र आता है कि शिरडी में भयंकर बरसात हो रही थी, चारों तरफ पानी पानी हो रहा था, मवेशी फंस रहे थे, लोगों के घरों में पानी भर गया था, लोग डर के मारे यहां वहां भाग रहे थे, बारिश हो रही थी, बिजली कौन रही थी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। सच्चरित्र में लिखा हुआ है कि यूं तो कहने को शिरडी में देवियां बहुत थी, लेकिन उस दिन कोई भी काम ना आई। लोग डर करके बाबा के पास मस्जिद में पहुंच गए कि यही है हमारा रखवाला, और बाबा ने मस्जिद से बाहर निकल करके आसमान की ओर अपना मुंह करके आवाज लगाई, रुक जाओ, थम जाओ, अब बहुत हो गया। और बाबा का यह कहना था कि बारिश थमने लगी, बादल मानो सूख गए। ऐसे ही साई हमको बचाते हैं, उनका एक इशारा बहुत होता है हमारे दुख तकलीफें मुश्किलें दूर करने के लिए। एक इशारा साई का बहुत होता है। विश्वास तो रखो साई पर। हम लोग तो अपने दुख तकलीफों से इतना डर जाते हैं कि हमारा विश्वास जगह बदल लेता है। आज इस मंदिर पे माथा टेकेंगे, समस्या हल नहीं हुई तो दूसरे मंदिर चले जाएंगे, तीसरे मंदिर चले जाएंगे। हम अपना इष्ट बदलते हैं, विश्वास बदल लेते हैं। बाबा ने तो दो सूत्र दिए हैं, श्रद्धा और सबूरी का। बाबा कैसे बचाते हैं? 1910 की धनतेरस का दिन था, बाबा धूनी में बैठे हुए लकड़ियां डाल रहे थे, तात्या और श्यामा उनके साथ बैठे थे। लकड़ियां डालते डालते अचानक बाबा ने अपना हाथ धूनी में दे दिया और अंदर से कुछ खींच करके निकाला, उनका हाथ जल गया था। श्यामा और तात्या ने उनको खींचा के, बाबा तुम ये कर क्या रहे हो? बाबा हमेशा समाधि अवस्था में रहते थे, उसी समाधि अवस्था में उन्होंने कहा कि यहां से कई सौ मील दूर एक लोहारिन भट्टी धोंक रही थी, उसी भट्टी में खेलते खेलते उसका बच्चा गिर गया, लोहारिन को ध्यान नहीं था, मैंने हाथ डाल करके उस बच्चे को निकाल लिया। ये साई है, ये साई है। क्यों चिंता करते हो, साई के बच्चे हैं हम तो। बच्चों की कर देखभाल साई, बच्चों का कर ध्यान, बच्चों की कर देखभाल साई, बच्चों का कर ध्यान, बच्चे आखिर बच्चे हैं, तू साई दीन दयाल, बच्चे आखिर बच्चे हैं, तू साई दीन दयाल, साई दीन दयाल, तू साई दीन दयाल, बाबा मेरी रक्षा करना साई, मेरी रक्षा करना बाबा, मेरी रक्षा करना साई, मेरी रक्षा करना बाबा, मेरे संग संग रहना साई, संग हरदम रहना बाबा, मेरी रक्षा करना साई, मेरी रक्षा करना बाबा, मेरी रक्षा करना साई, मेरी रक्षा करना।
हूँ मजबूर, साई है तेरी क्या मजबूरी। मैं तो हूँ मजबूर, साई है तेरी क्या मजबूरी। मैं तो हूँ मजबूर, साई है तेरी क्या मजबूरी। मैं तो हूँ मजबूर, साई है तेरी क्या मजबूरी। हाथ पकड़ लो, शरण में ले लो, कर दो आशा पूरी। हाथ पकड़ लो, शरण में ले लो, कर दो आशा पूरी। कर दो आशा पूरी साईं, कर दो आशा पूरी साईं। मेरी रक्षा करना बाबा, मेरी रक्षा करना साईं। मेरे संग संग रहना बाबा, संग हरदम रहना। मुझसा कोई पापी तेरे दर पे न आया होगा। मुझसा कोई पापी तेरे दर पे न आया होगा। मुझसा कोई पापी तेरे दर पे न आया होगा। मुझसा कोई पापी तेरे दर पे न आया होगा। और जो आया होगा खाली लौटा लौटाया ना होगा। लौटाया ना होगा साईं, लौटाया ना होगा साईं। मेरी रक्षा करना बाबा, मेरी रक्षा करना साईं। मेरे संग संग रहना बाबा, संग हरदम रहना। राह तुम्हारी देख देख मेरी अखियां भर भर आई। राह तुम्हारी देख देख मेरी अखियां भर भर आई। राह तुम्हारी देख देख मेरी अखियां भर भर आई। राह तुम्हारी देख देख मेरी अखियां भर भर आई। अब तो दर्शन दे दो बाबा, अब तो दर्शन दे दो। साईं अब तो दर्शन दे दो बाबा, मेरी रक्षा करना साईं। मेरी रक्षा करना साईनाथ महाराज की जय।